पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पीसीओएस एग्जैक्टली होता क्या है, पीसीओएस का मतलब क्या है, पीसीओएस किन महिलाओं को कहेंगे, कौन सी वो जांचें या फिर लक्षण हैं जिनके बेसिस पे हम कहेंगे कि महिला या किशोरी को पीसीओएस है, साथ ही कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, क्या सिर्फ गर्भनिरोधक गोलियाँ या हार्मोन की गोलियाँ ही इसका ट्रीटमेंट है, और लंबे समय पे लंबे अंतराल पे जाने के बाद जब ये पीसीओएस बहुत लंबे टाइम पे बॉडी में रहेगा तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और क्या जिन फीमेल्स को बच्चे चाहिए थे वो उतने बच्चे पैदा कर चुके हैं और अभी आगे अगर उनको पीसीओ की कंडीशन होती भी है तो भी क्या ट्रीटमेंट लेना उनको ज़रूरी है या नहीं लेंगी तो चलेगा। आइए आज के वीडियो में विस्तार से हम जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को और समझने की कोशिश करते हैं कि पीसीओ की कंडीशन एग्जैक्टली है क्या। तो पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, माने कि लक्षणों का कुछ ऐसा समूह जो कि साथ में प्रेजेंट करता है पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ। तो कुछ लक्षण हैं और जब हम सोनोग्राफी कराएंगे तो देखेंगे कि ओवरी या जो अंडेदानी है उसमें बहुत सारे सिस्ट या अंडे एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। तो क्या सारी जो सोनोग्राफियां होंगी जिनमें पीसीओएस की पिक्चर आ रही है, मतलब कि बहुत सारे अंडे दिख रहे हैं, वो सारी ही महिलाएं पीसीओएस कहलाएंगी? नहीं, पीसीओ जो सोनोग्राफी में हमें दिख रहा है उसको हम कहते हैं पीसीओ मॉर्फोलॉजी, मतलब सिर्फ एक पिक्चर है कि इस महिला की ओवरी में या अंडेदानी में बहुत सारे अंडे बन रहे हैं। लेकिन ये दूसरी बीमारियों में भी ऐसे हो सकता है, जैसे कि थायराइड होना, एड्रेनल जो ग्लैंड है, ग्रंथि है हमारी, उसके कोई ट्यूमर्स होना या उसकी हाइपर सेंसिटिविटी या ज़्यादा स्टिमुलेशन होना, या फिर कशिंग सिंड्रोम होना जो कि एक और प्रकार की स्टेरॉइड से रिलेटेड बीमारी है। इन सारी कंडीशनों में भी ये पिक्चर आ सकती है। तो जब भी हम पीसीओ का क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे या ये बताएंगे कि महिला या किशोरी को पीसीओ है तो इन चीज़ों को एक्सक्लूड ज़रूर करेंगे, इन ये ज़रूर देखेंगे कि ये बीमारियाँ तो नहीं है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि पीसीओएस है ये महिला को। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि हम अननेसेसरी बिना ज़रूरत के किसी भी महिला को पीसीओ का ट्रीटमेंट चालू ना करें, साथ ही उनको फालतू में बिना किसी ज़रूरत के जो हार्मोन के ट्रीटमेंट है उसका एक्सपोजर ना दें, इसलिए उनको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ही कन्फ्यूजन बहुत लंबे अंतराल से चल रहे थे, इसलिए 2003 में रोस्टरडम में एक जो मीटिंग हुई सारे बड़े साइंटिस्ट रिसर्चर्स और क्लिनिशियन की, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसके लिए हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे। उस क्राइटेरिया में 3 पॉइंट दिए गए जिसमें पहला पॉइंट था एनओव्यूलेशन या ओलाइगो एनओव्यूलेशन, मतलब कि महीना कम आना। क्यों? क्योंकि या तो अंडा बन नहीं रहा है या अंडा बहुत दिनों में बन रहा है, जिसकी वजह से वो जो हर 28 दिन की हमारी साइकिल होती है उसमें महीना नहीं आता है, और माहवारी कब आएगी? जब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो जाएंगे तब आएगी। तो ऐसे केसेस जिनमें माहवारी में कोई अनियमितता है, पहला पॉइंट वो था। सेकेंड पॉइंट ये था कि इस अनियमितता की वजह से बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जो कि एंड्रोजन होते हैं, तो या तो जब हम ब्लड टेस्ट कराएं उसमें एंड्रोजन की मात्रा बढ़ी हुई मिले, या फिर कोई लक्षण ऐसे आते हों, लक्षणों में जैसे कि थे ज़्यादा एक्ने होना, बॉडी पे ज़्यादा हेयर ग्रो होना जहाँ पे नॉर्मल तरीके से महिलाओं को नहीं होते और पुरुषों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो तीसरा क्राइटेरिया ये था कि अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं तो हमें दिखता है कि अंडेदानी में बहुत सारे अंडे एक साथ बन रहे हैं और वो अंडेदानी की किनारियों पे जैसे कि मोतियों की माला हो या पर्ल ऑफ नेकलेस अपीयरेंस के फॉर्म में जमा हुए हों, तो उनको हम पीसीओ मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब इन तीनों क्राइटेरिया में से अगर 2 क्राइटेरिया भी महिला के फिट हो रहे हैं, उसमें कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि इसको पीसीओ की कंडीशन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रश्न ये था कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्या सिर्फ ओसी पिल्स के बेसिस पे ही हम पीसीओ का ट्रीटमेंट करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओसी पिल्स को पीसीओ के पेशेंट में देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड के पेशेंट में बुखार बस ठीक करने के लिए हम पैरास्टामोल की गोली दे दें। ओसी पिल्स में क्या होता है, जो गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं उनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जब वो उनका इम्बैलेंस हो गया तो हमने बाहर से दे दिया, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारे हार्मोन सही बन रहे हैं और जो भी लक्षण आ रहे होते हैं वो दब जाते हैं। तो सिर्फ लक्षणों को दबाने के लिए या उनको थोड़े समय अंतराल के ठीक करने के लिए हम गर्भनिरोधक गोलियाँ देते हैं।
अभी और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? तो जो पीसीओ की जड़ है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। 70% पीसीओ महिलाओं में ये देखा गया है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। उसमें होता क्या है, शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन हम जब शरीर कोशिकाओं में जाते हैं तो इंसुलिन काम ही नहीं करता, जिस वजह से हमारे कोशिकाओं को लगता है इंसुलिन बन नहीं रहा और शरीर और इंसुलिन बनाता है, जिस वजह से बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ पेशेंट इस लक्षण के भी साथ आते हैं कि उनकी खाल मोटी हो रही है या गर्दन पे और बाकी जगह जो फोल्ड्स होते हैं बॉडी के वहाँ पे काली मोटी चमड़ी हो जाती है जो कि अकांथोसिस माइग्रेंस कहलाती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक लक्षण ये है। साथ ही इंसुलिन जब इतना बढ़ जाता है तो वो कुछ मेल हार्मोन या पुरुषों के हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड हार्मोन्स, उनकी तरह क्लोन बन जाता है या उनको कॉपी करता है। तो हमारे अंडाशय को लगता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने के लिए शरीर कह रहा है, तो हमारी अंडेदान या और ज़्यादा पुरुष के हार्मोन बनाने लगती है जिनको एंड्रोजन कहते हैं। और जो बाकी के सिम्टम्स हैं जैसे कि दानी आना, शरीर पे अनचाहे जगहों पे बाल आना या फिर सिर के बालों का झड़ना, इन सब सिम्टम्स को हम देखते हैं, या मोटापा बढ़ना, जैसे कि डायबिटीज़ जो कि आप जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इसीलिए हम PCOS को ओवरी की डायबिटीज़ भी कहते हैं, और क्योंकि वो मिमिक करती है डायबिटीज़ को इसलिए मरीज के मोटापा भी बढ़ता जाता है और वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही मरीज़ को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं शुगर की। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे कि क्या रीज़न है। इसके लिए भी कुछ रिसर्चर्स के बीच में डिबेट है कि मेन कारण क्या सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस है या हमारा जो HPO एक्सेस है, मतलब कि ब्रेन और ओवरी के बीच में एक पूरा नेटवर्क होता है नर्व्स का, कि कहाँ से कौन सा हार्मोन निकलेगा, कौन सा केमिकल निकलेगा, क्या उसकी कोई गड़बड़ी हुई है। तो इस पे भी कुछ डिबेट्स चल रहे हैं, लेकिन जो मेन हमारा क्राइटेरिया है ट्रीटमेंट का उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस ही मान रहे हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा डायबिटीज़ के पेशेंट में मेटफॉर्मिन की एक गोली चलती है, उससे हमारा बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को लेने लगते हैं, खर्च करने लगते हैं, तो इंसुलिन की ज़्यादा अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही उसको कंट्रोल कर रही है दवाई के थ्रू, तो उतना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। और जब इतना इंसुलिन बनेगा नहीं तो हमारे मेल हार्मोन भी नहीं बनेंगे और जो लक्षण इंसुलिन की ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से आ रहे थे वो भी कम हो जाएंगे। तो कुछ जैसे कि ड्रग्स है, जैसे कि बारबरिन है, मायोइनस्टॉल है, मेटफॉर्मिन है, ये मेनस्टे हैं हमारे ट्रीटमेंट के। साथ ही ये तो कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम मरीज को समझाते हैं कि वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे और डाइट को मॉडिफाई करे, जैसे कि डायबिटीज़ के मरीजों को समझाते हैं। साथ ही दो प्रकार का PCOS होता है, एक मोटापे वाला और एक लीन PCOS। जो मोटे पेशेंट होते हैं PCOD के, उनमें तो वज़न कम करने से ही बहुत हद तक आराम आ जाता है। क्राइटेरियाज कहते हैं, कुछ रिसर्चेज हैं जो कहती हैं कि अगर 5% आपके वज़न का आपने कम कर लिया तो बहुत हद तक खुद ही बॉडी PCO को कंट्रोल कर लेगी। लेकिन जो पतले PCO के पेशेंट हैं उनमें सिर्फ वज़न कम करने से ये कंट्रोल नहीं मिल पाता है, वैसे पेशेंटों में हमें मायोइनस्टॉल देना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो अब आपको समझ आया होगा कि ट्रीटमेंट ऑप्शन, जो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कंट्रोल करना है, हमें एक्सरसाइजेस करनी है, हमें डाइट में मॉडिफिकेशन करना है और हमें लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। इन तीनों चारों चीज़ों पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या डाइट और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मतलब अगर किसी स्त्री को PCO है और उसने कंट्रोल नहीं रखा, उस कंडीशन को वैसे ही रहने दिया, तो क्या लंबे जो बॉडी में रिस्क पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो है बांझपन, इनफर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि अंडा हर महीने बन नहीं रहा, माहवारी हर महीने आ नहीं रही है, सेक्स हार्मोन्स अनकंट्रोल हो गए, मेल हार्मोन बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सारा हार्मोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है और अब अंडा जब बनेगा ही नहीं तो गर्भधारण कैसे होगा। तो सबसे पहला तो इनफर्टिलिटी हो गया। सेकंड, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। PCOS एक हार्मोन के साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है।
मेटाबॉलिक यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट की साइकिल डिसबैलेंस होती है, आपके ब्लड प्रेशर्स डिसबैलेंस होते हैं, आपके दूसरे एंजाइम बॉडी के डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको बीपी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, इसके साथ ही हृदय के रोग हो सकते हैं और डिसलिपिडीमिया भी हो सकता है। और लंबे अंतराल पे जो कुछ कर्क रोग हैं जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होना और साथ ही एंडोमेट्रियम के कैंसर होना, जिसे कि हम बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है पीसीओ के रोकथाम की, उसको कंट्रोल करने की, ना कि सिर्फ इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो महिला है उसको बहुत यंग एज से या किशोरावस्था से तो पीसीओएस कभी एक्सपोज नहीं हुआ या पता नहीं चला, उसको जो बच्चे चाहिए थे वो अर्ली एज में हो गए 25 साल 30 साल की उम्र तक, अब उसको पता चल रहा है कि उसको पीसीओ की कंडीशन है, तो क्या अब भी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हमने डिस्कस किए, चाहे कि वो बॉडी के बीपी हो, ब्लड शुगर हो, साथ ही डिसलिपिडीमिया हो या हृदय के रोग हो, इन सब के साथ साथ जो कैंसर्स के रिस्क हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, चाहे आप इनफर्टिलिटी हो चाहे ना हो, पीसीओ को कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसको कंट्रोल में रखना साथ ही प्रिवेंट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट पॉइंट मेरा जो कि शायद मुझे सबसे पहले समझाना चाहिए था वो ये है कि क्या पीसीओएस एक जेनेटिक कंडीशन है या ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि एनवायरनमेंट के एक्सपोजर से होता है, तो ये कौन सी डिजीज़ है? जेनेटिक भी है, एक्चुअली पीसीओए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें कुछ परसेंटेज जेनेटिक का है, मतलब कि जो किशोरी या महिला है यदि उसके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव फीमेल जो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव है जैसे मासी, मदर, साथ ही कजिन्स, अगर उनमें इसका प्रीडिस्पोजिशन देखा गया है तो उनमें होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह है कि यदि आपको पता है कि घर में और लोगों को कंडीशन है और आपने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रखा है, डाइट को बहुत मॉडिफाई करके रखा है और आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इस कंडीशन को कंट्रोल में रख सकते हैं और इसके सिम्टम आने से बच सकते हैं। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है लेकिन ये सारे पॉइंट्स ज़रूरी थे कवर करना, और जो डीप में पॉइंट्स रह गए हैं उसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।